हेलो बच्चा लोग, आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 10 ऑफ डिसोल्यूशन। इस क्वेश्चन में आपको सीखना होगा, दो पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट होते हैं तो उस टाइम पे डिसोल्यूशन की अकाउंटिंग कैसे की जाती है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बार क्वेश्चन रीड कर लेना है, हमेशा ये हैबिट होना चाहिए आपको। श्वेता, नूपुर एंड सानिका आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तो बेसिकली उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, उसके नीचे उनका एक बैलेंस शीट दिया है। और देखो, अगर आप क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा ये सम क्या चीज़ का है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो नीचे बोलता है द फर्म वॉज डिजॉल्व ऑन 31 मार्च। तो फर्म डिजॉल्व हो चुका है, फिर असेट रियलाइज हुआ, पेमेंट कुछ कुछ हुआ है एक्सपेंसेस का। नूपुर एंड सानिका बोथ आर इंसॉल्वेंट, दो पार्टनर इंसॉल्वेंट हुए हैं, ये स्टेटमेंट से आपको समझ में आएगा। नूपुर प्राइवेट स्टेट हैज गॉट अ सरप्लस ऑफ 3,000 एंड दैट ऑफ सानिका ₹8,000। तो बेसिकली ये जो दोनों पार्टनर इंसॉल्वेंट हुए हैं, उनके प्राइवेट स्टेट से, मतलब प्राइवेट जो भी उनका प्रॉपर्टी वगैरह था उससे थोड़ा बहुत सरप्लस बचा, तो उस बेसिकली ये फर्म के लिए रिकवरी है। और लास्ट में बोलता है शो नेसेसरी लेजर अकाउंट। जब भी आपको नेसेसरी लेजर बोलेगा, इट मींस यू हैव टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। और अगर क्वेश्चन में किसी पार्टनर का लोन दिया है तो वो भी बना लेना है, बट इस सब में नहीं करना है बिकॉज किसी पार्टनर का लोन नहीं दिया है। चलिए, परंपरा के अनुगत हम क्या करेंगे, हमने कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया है और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कैपिटल का बैलेंस भी दिया है पुराने बैलेंस शीट में। तो आपको करना क्या होगा, जाके जिस पार्टनर का कैपिटल लाइबिलिटी में दिया है उसका बैलेंस क्रेडिट में लिख देना है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, श्वेते का है 65,000 और नूपुर का है 15,000। सेम वे में सानिका का भी कैपिटल दिया है बट असेट साइड पे दिया है, तो ध्यान ये रखना है जिसका कैपिटल असेट साइड पे दिया है उसका बैलेंस डेबिट में आएगा। तो डेबिट में भी जाके हमको लिखना होगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और सानिका के कॉलम में जाके हम लिखेंगे उसका बैलेंस है 10,000। आई होप ओपनिंग बैलेंस सबको क्लियर हुआ होगा। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ एक बार, जिस पार्टनर का कैपिटल लाइबिलिटी में दिया है उसका क्रेडिट साइड पे बैलेंस लिखना, और जिसका असेट साइड पे दिया है उसका डेबिट में बैलेंस लिखना। देन नेक्स्ट, हमने बैंक अकाउंट प्रिपेयर किया है और असेट में कैश एट बैंक दिया है 5,000। सिंस इट इज एन असेट तो असेट का डेबिट बैलेंस लिखना होता है। सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एन अमाउंट है 5,000। एंड रिमेंबर वन थिंग, जो मैं बाल बीडी शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ ये आपको अलाउड नहीं है, आपका मार्क्स चला जाएगा। ठीक है, तो ये आप पूरा बैलेंस लिखना। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है कि अगर कोई रिजर्व, कोई प्रॉफिट एंड लॉस पहले का है तो हम उसको बांट दे, बट इस क्वेश्चन में ना तो आपको कोई रिजर्व दिखेगा ना ही कोई प्रॉफिट एंड लॉस, तो आप हमको आगे बढ़ना होगा। उसके बाद हम क्या करते थे, हमारा जो बचा हुआ असेट्स लाइबिलिटी है उसको हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते थे। एंड द रूल वॉज असेट्स को क्लोज करके रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफर करना है, लाइबिलिटीज को क्लोज करके रियलाइजेशन के क्रेडिट में। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सिर्फ सन्ड्री असेट का टोटल दे दिया, यूजुअली बहुत सारे असेट होते थे फिर हम टोटल करके सन्ड्री असेट लिखते थे ना, बट यहाँ पे सीधा टोटल दे दिया, मतलब हमारे लिए काम और आसान हो गया है। तो आपको क्या करना होगा, रियलाइजेशन के डेबिट में जाके लिखना है टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट, और अमाउंट कितना था उसका 1,60,000। देन उसके बाद बैंक, ऑलरेडी बैंक अकाउंट में जा चुका है, कैपिटल को आप कैपिटल में पोस्ट कर चुके हो। देन लाइबिलिटी में आ जाओ, यहाँ पे भी सिर्फ एक ही लाइबिलिटी है तो डायरेक्टली मैं रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाके लिख दूंगा, बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट एंड द अमाउंट इज 95,000। आई होप बैलेंस शीट खाली करने तक का जो तरीका है वो आपको समझ में आ गया होगा। सारे असेट्स को क्लोज करके रियलाइजेशन के डेबिट में डालना है एंड लाइबिलिटीज को क्लोज करके रियलाइजेशन के क्रेडिट में। ओके, देन एडजस्टमेंट्स पे आ जाओ, इसमें काफी आसानी से तुम एडजस्टमेंट भी सॉल्व कर सकते हो। देखो क्या बोलता है, सन्ड्री असेट्स रियलाइज एट 60% ऑफ इट्स बुक वैल्यू। इसका मतलब है कि सन्ड्री असेट्स का जो भी वैल्यू था उसमें से आपको सिर्फ 60% ही रियलाइज हुआ, और जितना रियलाइज हुआ आपको उतना ही रिकॉर्ड करना है। और क्या लॉजिक हमने डिस्कस किया था कि असेट पहले डेबिट में था, अब अगर रियलाइज होता है तो हम क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन लिखेंगे, और जब भी असेट रियलाइज होगा यू हैव टू राइट बैंक, बिकॉज जब असेट रियलाइज होता है इट मीन्स फर्म को पैसा मिलेगा। सो बाई बैंक ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे किस चीज का पैसा मिल रहा है, सन्ड्री असेट्स रियलाइज, आप ऐसा लिख देना पूरा। और जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग में यहाँ पे अमाउंट भी कैलकुलेशन बता दे रहा हूँ, 1,60,000 का पूरा नहीं मिल रहा है, सिर्फ 60% ही रियलाइज हो रहा है, विच कम्स टू 96,000। आई होप परसेंटेज निकालना सबको आता है। देन ध्यान रखना है कि आपने यहाँ पे अगर बैंक लिखा है तो इसका सेकेंड इफेक्ट आपको बैंक अकाउंट में दिखाना पड़ेगा, और एक इफेक्ट अगर क्रेडिट में लिखा है तो दूसरा इफेक्ट कहाँ दिखाओगे, डेबिट में।
और यहाँ पे हम रेफरेंस देंगे रियलाइजेशन अकाउंट, जिस अकाउंट से कॉपी कर रहे हो उसका रेफरेंस देना है, एंड अमाउंट इज 96,000। तो एडजस्टमेंट का दोनों इफेक्ट हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹2,000 पेड बाई श्वेता। अच्छा किसने पे किया, एक मिनट के लिए साइड में रखो भाई। रियलाइजेशन का खर्चा मतलब फर्म का खर्चा है ना, तो फर्म का जो भी खर्चा होता है बंद करने के टाइम पे, हम उसको कहाँ दिखाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में। बट ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, इसका पेमेंट फर्म ने नहीं किया, पार्टनर ने किया, तो पार्टनर का नाम आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे श्वेतास कैपिटल। कितना पे किया है भाई, 2,000, और रेफरेंस के लिए ब्रैकेट में आपको लिखना होगा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। एंड बच्चा यहाँ पे अगर आपने कैपिटल लिखा है तो इसका सेकेंड इफेक्ट कैपिटल के क्रेडिट में आएगा, एंड वी विल राइट बाय रियलाइजेशन अकाउंट किसके कॉलम में, श्वेता के कॉलम में 2,000। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, नुपुर एंड सानी का बोथ आर इंसॉल्वेंट। ये तो हमने पहले ही देख लिया था कि दो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए हैं। एंड लास्ट में बोलता है नुपुर प्राइवेट एस्टेट हैज गॉट अ सरप्लस ऑफ 3,000 एंड दैट ऑफ सानी का ₹8,000। यानी कि नुपुर से 3,000 रिकवर हुआ और सानी का से 8,000 रिकवर हुआ। अब जल्दी से समझना, अगर रिकवरी का अमाउंट आपको डायरेक्ट पता है पहले ही से इसकी एंट्री कर सकते हो। जल्दी से समझने का कोशिश करो, अगर पार्टनर से पैसा रिकवर हो रहा है तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लक्षु आवत रही, तो बैंक के डेबिट में जाके हम लिखेंगे पहला नुपुर से रिकवरी हुआ है, तो नुपुर्स कैपिटल अकाउंट, नुपुर से कितना रिकवर हुआ था 3,000, और फिर हमको सानिका से भी रिकवरी हुई है, तो सानिकास कैपिटल अकाउंट कितना रिकवर हुआ है भाई सानिका से 8,000। क्लियर है? एंड अगेन बच्चा यहाँ पे आपने अगर कैपिटल लिखा है तो इसका भी सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, कैपिटल के क्रेडिट साइड पे, और यहाँ पे आप लिखोगे बाय बैंक अकाउंट, नुपुर के कॉलम में 3,000 और सानिका के कॉलम में 8,000। तो विद दिस अगर आप देखोगे तो आपके एडजस्टमेंट्स हो चुके हैं। अब आगे क्या करना है उसको ध्यान से समझिए। बहुत सारे बच्चे खुशी खुशी होके फटाफट क्लोजिंग स्टार्ट कर देते हैं, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमने स्टार्टिंग से एक पॉइंट डिस्कस किया है कि अगर किसी लाइबिलिटी का पेमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो भी पेमेंट कंपलसरी है, तो बेसिकली आपको क्रेडिटर्स का पेमेंट करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, क्रेडिटर्स पहले क्रेडिट में था, अब आप पेमेंट कर रहे हो तो आप डेबिट में लिख दो, एंड अगेन जब आप पे करोगे तो फर्म का पैसा जाएगा, तो टू बैंक अकाउंट, एंड ब्रैकेट में हम मेंशन कर देंगे किस चीज का पेमेंट है ये, सन्ड्री क्रेडिटर्स, एंड कितना पे करेंगे फुल, अगर कुछ नहीं बोला है तो फुल पेमेंट करना पड़ेगा। एंड टेल मी बच्चा यहाँ पे आपने बैंक लिखा है तो इसका भी सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैंक के क्रेडिट साइड पे, एक इफेक्ट डेबिट मा तो दूसरा क्रेडिट मा बाय रियलाइजेशन अकाउंट कितना 95,000 फुल पे किया है ना। ओके इसी के साथ आपके सारे असेट्स लाइबिलिटी का जो करना था वो आपने कर दिया, एक्सपेंसेस पे करना था कर दिया, आप बैलेंसिंग स्टार्ट कर दो। एंड ऑब्वियस सी बात है कि हम पहले क्या क्लोज करेंगे, हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन में अगर आप टोटल करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपका डेबिट साइड का टोटल ज्यादा दिख रहा है, और टोटलिंग भी एक बार देख लेते हैं, तो डेबिट साइड पे है 1,60,000, आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, जस्ट समझाने के लिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, प्लस 2,000 आपको मैनुअली करना है, हाँ, और प्लस 95,000, तो इट मीन्स हमारा जो डेबिट टोटल है वो 2,57,000 है, और अगर आप क्रेडिट टोटल देखोगे तो इट इज 1,91,000। तो बेसिकली आपको करना क्या होगा, 257 में से 1,91,000 माइनस कर देना है, तो बैलेंस बचता है 66,000। एंड आई होप अभी आपको इतना तो पता ही होगा कि जो भी बैलेंस बचता है वो हम लोअर साइड पे दिखाते हैं, और ध्यान रखना अगर बैलेंस इस साइड पे दिख रहा है इट मींस इट्स अ रियलाइजेशन लॉस, और ये जो भी लॉस है ये तीनों पार्टनर्स को बेयर करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीनों पार्टनर्स का नाम लिख देंगे, सानिका नहीं पहले श्वेता थी, नुपुर एंड सानिका, आप पूरा पूरा नाम लिखना, एंड रेशो क्या था इनका, 3:2:1, तो अगर मैं रेशो के हिसाब से इसको डिवाइड करूं तो 66,000 में से सानिका श्वेता को बेयर करना पड़ेगा 3/6, जो कि आता है 33,000, इसको बेयर करना पड़ेगा 66,000 में से 2/6 विच इज 22,000, और इसको बेयर करना पड़ेगा 66,000 में से 1/6 विच इज 11,000। एंड ये जो भी लॉस आपने बांटा है इसका सेकेंड इफेक्ट आप कहाँ दिखाओगे, कैपिटल के डेबिट साइड पे, तो कैपिटल के डेबिट में जाके हम रियलाइजेशन अकाउंट लिख देंगे, ब्रैकेट में यू कैन मेंशन रियलाइजेशन लॉस, और कितना कितना लॉस भाई पार्टनर्स में बांटा, एक को 33 दिया,
एक को 22 दिया और एक को 11,000 दिया। आई होप ये लॉस का लॉजिक क्लियर हो गया रहेगा। देन नेक्स्ट पॉइंट उठता है कि सर अब कैपिटल क्लोज करना है, बट बच्चा ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये इंसॉल्वेंसी वाला सम है और यहाँ पे एक नहीं दो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहे हैं, तो आपको करना क्या होगा, जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हुए हैं पहले उनका उनको ठिकाने लगाना पड़ेगा, उनका कैपिटल का क्या करना है वो तुमको समझना पड़ेगा। तो देखो एक चीज़ का है ना, पहले लॉजिक समझ लो कि अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ है तो ऑब्वियसली बात है वो कंगाल आदमी है, तो उसने फर्म को भी फर्म से भी पैसा उधार लिया रहेगा या बहुत सारे लॉस ये करे रहेंगे, तो ऑब्वियसली बात है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उस कंगाल पार्टनर से हमको पैसा लेना है। ठीक है, तो पहले आप क्या करो, पहले आप पता करो अमाउंट ड्यू कितना है, अमाउंट ड्यू मतलब फर्म को पार्टनर से कितना पैसा लेना है, और यहाँ पे दो पार्टनर इंसॉल्वेंट है तो दोनों का पहले कैलकुलेशन करो, नुपुर और दूसरा कौन था श्वेता। और इसका सिंपल सा लॉजिक है, आपको दोनों का डेबिट टोटल में से उनका क्रेडिट टोटल माइनस कर देना है, डेबिट टोटल माइनस क्रेडिट टोटल। तो पहले बात करते हैं नुपुर की, नुपुर के डेबिट में सिर्फ एक अमाउंट दिख रहा है विच इज 22,000, और अगर आप क्रेडिट में चेक करोगे तो उसके क्रेडिट में है 18,000, और बैलेंस निकालना बहुत आसान है, इसका बचेगा कितना भाई 4,000। सेम वे में अगर आप सानिका का देखोगे तो सानिका के डेबिट साइड पे आपको दिखेगा 21,000 और क्रेडिट में आपको दिखेगा 8,000, तो सानिका का बैलेंस बचेगा 13,000। अब बच्चा ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो बैलेंस बच गया, ठीक है, बेसिकली ये अमाउंट ड्यू है, अमाउंट ड्यू फ्रॉम पार्टनर्स, ठीक है, इतना पैसा फर्म को लेना है। ठीक है, नॉट द पॉइंट इज ये पार्टनर तो कंगाल है, और जो रिकवरी हो सकता था वो तो पहले ही हमने रिकॉर्ड कर दिया, तो इसके बाद तो कोई रिकवरी होने वाला नहीं है, तो बेसिकली फर्म के लिए इट्स अ लॉस। इसको बोलते हैं कैपिटल डेफिसिट, क्या बोलते हैं इसको, कैपिटल डेफिसिट, उनके कैपिटल में इतना कमी है बट वो ला नहीं सकते बिकॉज वो कंगाल हो चुके हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जो भी इंसॉल्वेंट पार्टनर का कैपिटल डेफिसिट होगा वो बेयर कौन करेगा, वो लॉस बेयर कौन करेगा, सॉल्वेंट पार्टनर। तो यहाँ पे दोनों का लॉस बेयर करने की जिम्मेदारी किस पे आती है, श्वेता पे। तो देखिए जब आप वन पार्टनर इंसॉल्वेंट का सम कर रहे थे तब क्या कर रहे थे, एक पार्टनर का लॉस दो लोगों में बांट रहे थे, अब यहाँ पे दो पार्टनर का लॉस एक आदमी को बेयर करना पड़ेगा, इसीलिए कहा जाता है पार्टनर्स लाइबिलिटीज आर अनलिमिटेड, तो पूरा लॉस बेचारे एक के सर पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, इसको लिखने का तरीका भी मैंने एक समझाया था, और देखो एंट्री वाइज जाओगे तो शायद तुम गलती कर दो, इजी तरीका बताता हूँ जो मैंने पहले भी वन पार्टनर इंस्टॉलमेंट में डिस्कस किया था, कि आपको करना क्या होगा, डेबिट साइड पे जाके यू हैव टू राइट नेम ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर, किसका नाम लिखना है, इंसॉल्वेंट। तो इंसॉल्वेंट पार्टनर कौन कौन था, एक तो नुपुर थी तो नुपुर कैपिटल लिख दो, दूसरा कौन था सानिका, तो सानिका कैपिटल भी लिख दो। अब नाम आपने इंसॉल्वेंट पार्टनर का लिखा है ना, तो अमाउंट आप किस में लिखोगे, सॉल्वेंट पार्टनर के कॉलम में, यानी कि श्वेता के कॉलम में। नुपुर का लॉस कितना बेयर करना पड़ेगा उसको 4,000, और श्वेता का कितना लॉस बेयर करना पड़ेगा 13,000। आई होप ये लॉजिक समझा रहेगा, उनका कैपिटल डेफिसिट इतना है। ठीक है, एंड अपोजिट साइड पे जाके, क्रेडिट साइड पे भी जाके आपको यही लॉजिक को उल्टा लिखना है, मतलब क्या, अब आप नाम किसका लिखोगे, सॉल्वेंट पार्टनर का, तो सॉल्वेंट पार्टनर कौन है, श्वेता, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा श्वेता कैपिटल, और आपने नाम सॉल्वेंट का लिखा है तो अमाउंट आप किस में लिखोगे, इनसॉल्वेंट में। तो नूपुर का अमाउंट कितना था भाई 4, और इसका कितना था 13,000, वो आपको वर्किंग से उठा लेना है। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, पहले आप वर्किंग में ये देख लो कि कौन से पार्टनर से कितना पैसा लेना है, उतना कैपिटल डेफिसिट हो गया, और उसको लिखने का तरीका क्या है, डेबिट में जाके आपको नाम लिखना होगा इनसॉल्वेंट पार्टनर का, अमाउंट सॉल्वेंट में, क्रेडिट में नाम लिखोगे आप सॉल्वेंट का, अमाउंट इनसॉल्वेंट में, और जैसे ही आप ये लिख दोगे तो आपके जो इनसॉल्वेंट पार्टनर्स है उनका अकाउंट क्लोज हो जाएगा, क्योंकि जो लॉस है वो सॉल्वेंट पार्टनर ने बेयर कर लिया उनका कैपिटल डेफिसिट का। तो देखिए यहाँ पे 22,000 है नुपुर का, यहाँ पे भी 22,000 आ जाएगा, यहाँ पे आप देखोगे 21,000 है, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 21,000 विद दिस इंश्योरेंट पार्टनर, सेटल हो गए। अब आप क्या करोगे, जो सॉल्वेंट पार्टनर है बेचारा उसको भी क्लोज कर दो, तो इसको अगर आप क्लोज करोगे तो इसके डेबिट में आपको दिखेगा 50,000 रुपीज, और क्रेडिट में आप चेक करोगे तो 67 दिख रहा है, तो ऑब्वियसली 67 इज ग्रेटर, तो 67 में से अगर आप 50,000 डेबिट का माइनस करोगे तो 17,000 बच जाएगा,
और सॉल्वेंट पार्टनर का बैलेंस कहीं भी आए, चाहे इधर आए चाहे उधर आए, मतलब डेबिट में क्रेडिट में, आपको उसको ट्रांसफर करना होगा बैंक अकाउंट में। और बैंक में कौन सी साइड, सेम साइड या अपोजिट साइड? ऑब्वियसली अपोजिट साइड, एक इफेक्ट डेबिट में तो दूसरा क्रेडिट में। तो यहाँ पे जाके वी विल राइट बाय श्वेतास कैपिटल अकाउंट, और उसका अमाउंट कितना था? 17,000। सो विद दिस हमारा सम हो गया खत्म, और ये वाला भी अकाउंट क्या हो जाएगा? टैली। इसका अगर आप टोटल चेक करोगे तो आई थिंक सो ये आता है 1,12,000, एक बार चेक कर लेना है। सो आई होप ये क्वेश्चन जो भी मैंने कुछ सिखाने की कोशिश की है शायद आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इससे हेल्प मिलती है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।